दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के घर पर डिनर का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद मनोज तिवारी, सांसद दुष्यंत सिंह और सांसद राहुल कासवा, वहीं सांसद रंजिता कोहली मौजूद रहे और सभी ने भोजन का लुफ्त उठाया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राजस्थान से आए लोगों से वार्ता की। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के घर पर डिनर का आयोजन और सभी ने डिनर का लुफ्त उठाया, लेकिन ऐसे में यहां पर तमाम दिग्गज मौजूद रहे, तमाम मंत्री मौजूद रहे। साथ ही इस डिनर के आयोजन पर तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों से बातचीत भी की और साथ ही यहां पर सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहे, तमाम सांसद उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राजस्थान से आए लोगों से उन्होंने बातचीत करी, क्योंकि ये सबसे अहम बात है। डिनर का आयोजन किया जाता है घर पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के, तो ऐसे में ये जो तस्वीर है, गार्डन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान से आए लोगों से वार्ता की। राजीव तिवारी, दिल्ली ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के घर पर डिनर का आयोजन किया जाता है, तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद रहते हैं इस डिनर के उसमें घर पर, लेकिन ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राजस्थान से आए लोगों से उन्होंने बातचीत की है, क्या बातचीत हुई है तमाम इन मंत्रियों के बीच में, वो जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तमाम जो उसके पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, यहाँ दिल्ली पहुंचे हुए थे और कुछ राजस्थान के बाड़मेर और दूसरे क्षेत्रों के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और इसी क्रम में आज रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, डिनर का आयोजन किया गया था कैलाश चौधरी के घर पे, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और खुद कैलाश चौधरी मौजूद रहे। साथ ही जो बीजेपी के सांसद हैं, दुष्यंत सिंह, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, राहुल कासवा, सभी लोग मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भोजपुरी के दो स्टार जो भोजपुरी स्टार हैं और सांसद हैं, रवि किशन और मनोज तिवारी, यह दोनों लोग भी पहुंचे हुए थे। मनोज तिवारी ने तो गाना भी गाया यहाँ पे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सदस्य थे उनके कहने पे। साथ ही जो है जो मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 9 साल का कार्यकाल रहा है, जो लगातार जो डेवलपमेंट हुए हैं और युवाओं को लेकर के जो तमाम चीजें की गई हैं, बेरोजगारी की दूर करने की जो बात की गई है, रोजगार मेला जो लगाया जा रहा है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों से और पदाधिकारियों से इन लोगों ने चर्चा किया और इन लोगों ने कहा कि आप लोग जहाँ भी जाइए इस तरह का मैसेज दीजिए। देखिए, राजस्थान में चुनाव है तो ऐसे में इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बहुत से ऐसे सांसद हैं जो अभी तक रात के जो है 10-10 हो गए हैं लेकिन इस डिनर प्रोग्राम में नहीं पहुंचे हैं, जिसमें बड़ा नाम की अगर बात की जाए तो बड़ा नाम सीपी जोशी का है, जो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तक इस डिनर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। जी, क्या क्या समस्याओं पर यहाँ पर बातचीत की गई राजस्थान के आम लोगों से भी? देखिए, राजस्थान के जो जो लोग थे या राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी का छात्र विंग है, इसके जो पदाधिकारी और मेंबर थे, लोग मौजूद थे, इन लोगों को एक तरह से मैसेज दिया गया कि आप जब भी क्षेत्र में जाइए, गांव में जाइए, ढाणी में जाइए, जहां भी जाइए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसके बारे में आप लोग बताइए। इसी को लेकर के गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और तमाम जो और भी वरिष्ठ नेता थे, ये लोग उन लोगों को मैसेज देने की कोशिश किए हैं और जब ये लोग जाएंगे इस क्षेत्र में तो बताएंगे कि दिल्ली में किस तरह का प्रोग्राम बना, कैसे प्रधानमंत्री यहाँ के लिए डेवलपमेंट की बातें करते हैं, कैसे क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है। चुनाव नजदीक है, लिहाजा एक मैसेज देने का एक माध्यम कहा जा सकता है। आज यहाँ पे इजाद किया गया है, भोजन का कार्यक्रम था, भोजन सभी लोगों ने किया, लेकिन निशाना नजर जो है वो चुनाव पे है। जी जी, बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री के घर पर डिनर का आयोजन किया जाता है मंत्री कैलाश चौधरी के घर पर, लेकिन ऐसे में जब तमाम मंत्री दिग्गज मौजूद रहते हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, डिनर का लुत्फ उठाया, लेकिन साथ ही साथ कई समस्याओं पर अखिल भारतीय परिषद के यहाँ पर छात्रों से और तमाम जो युवा है वहां पर मौजूद है बातचीत की गई, कई मुद्दों पर भी यहाँ पर बात हुई।